انا نور. प्रतिस्थापन गरिएको रातो मच्छिन्द्रनाथ करुणामय प्रतिमूर्ति तहाँबाट मिति 2080 वैशाख 24 गते यस किर्तिपुर नगरपालिकामा व्यवस्थापन गरिएकोमा किर्तिपुरबाट उक्त प्रतिमूर्ति हेग्रिप भैरवनाथ तथा 32 पाने जोसङ ललितपुर 22 भुङ्गमती ललितपुरमा पठाउने सहमति भएको हुँदा तपसिल बमोजिमको प्रतिमूर्ति हेग्रिप भैरवनाथ तथा 32 पाने जोसङ ललितपुर 22 बुङ्गमतीका देहा बमोजिमका पानेजुहरूले बुझिली यो भरपाई गरिदिउँ लिउँ। सामग्रीको विवरण रातो मच्छिन्द्रनाथ बुङ्गदेव करुणामयको प्रतिमूर्ति थान एक करुणामयको मूर्तिमा भएको गरगहनाहरू क मुकुट स्वर्ण लेपन थान एक ख चाँदीको केकीपा थान आठ ग चाँदीको गहना कान झुम्का सहित थान दुई ख चाँदीको कन्ठी र घाँटीको टाय थान एक चाँदीको नाग थान एक च नवरत्न सहित स्वर्ण मोतीमाला थान एक छ लामो रातो र सेतो माला थान एक। सामान्य विवरण थारी जुन सामग्री बुझिली नै याग्रे भैरवनाथ तथा 32 पानेजुसँग ललितपुर 22 बुङ्गमतीका पानेजुहरू चाहिँ त्यतिहरू अन्ना सुई सुत्य नेमुडु एक नम्बर वडा वडा हिलालाल महर्जन दुई नम्बर वडा वडा रहेछ रुपेश महर्जन अहिले 10 नम्बर वडा चाहिँ ला एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ खान हो आठवटा होइन गले चाँदीको गहना कान झुम्का सहित खान दुई अहिले खले चाहिँ चाँदीको कन्ठी र घाँटीको टायो थानिए अहिले न्युले चाहिँ चाँदीको नाग थानिए चाँदीको नाग थानिएको अनि नवरत्न सहित स्वर्ण मोती माला थानिएको थियो थुक्ने जिमो आज जिमो आफै सानो भविष्य यहाँ उता जिउँ तर छेडी बिटाइ मुरुला करे छिपिङ सब टाइमिङ जीवन कोचना स्वागत या त सुया मख या जेसिङ जुली टाइमिङ दस जिउसँग चाहिँ मतलब चाहिँ आफ्नो जयङ्गा चाहिँ जिउसँग चाहिँ आफ्नो लिङ्गा अनि जिमो अफसेट या त गयो अनि प्रहरी सुरक्षा जे गर्नामे यु जे भयो यो सम्पूर्ण सूचना तपाईँको आजिमै आफै नै ठाउँ त अन्त नि मैले चाहिँ छुरा छ कने चाहिँ जिम्सा हान चाहिँ गुठी संस्थान जन अन जनप्रतिनिधि 22 नम्बर वडा अन टोले प्रतिनिधि तया अनि यो चाबी खोलेना अनि चाहिँ डकुमेन्ट तया चाहिँ जिम्सा ऊ आयु कर्णामे यो वृद्ध बहुमूल्य सामान त दुःख वो ठासे चाहिँ जिम्सा चाहिँ वो ठासे चाहिँ स्टोरिया वो स्टोरिया बेन जिम्सा मुचुल्का आएन मुचुल्का यहाँ डकुमेन्ट तया चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ बी ढुङ्गा चिन्छ अलि अन जुन टेयर हुँदा अलि जिमसँग चाहिँ मलाई चाहिँ जस अन जेठा चोरपिन्ड जिमसँग उना खबर बिहा
केटीपुर नगरपालिकामा रहेको सौ प्रतिमूर्ति श्री हेग्रिप भैरवनाथ तथा 32 पानेजु संघ ललितपुर 22 ललितपुरमा पठाउने सहमति भएको हुँदा उक्त प्रतिमूर्ति केटीपुर नगरपालिकाबाट बुझी लिनका लागि तहाँबाट आधिकारिक प्रतिनिधि खटाई पठाइदिनु हुन अनुरोध छ। साथै मिति 2080 जेठ 5 गते शुक्रबार बिहान टोकिएको साइटमा पढा पूर्वकालदेखि चलिआएको परम्परा बमोजिम केटीपुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित पिङ्गठामा याको मिसालाई फूल प्रसाद चढाउन आउनु हुन र यो प्रथालाई कालान्तरसम्म निरन्तरता दिनु हुन समेत विनम्र अनुरोध छ। राजकुमार नगरकर्मी नगर प्रमुख बोडाट श्री ललितपुर महानगरपालिका ललितपुर श्री गुठी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुर अनुपत्र बुझी लिने उसै राख्नु भैरवनाथ 32 पानेलसँग ललितपुर महानगरपालिका भुजी संस्थान शाखा कार्यालय ललितपुर मिति 2080 जेठ 5 गते शुक्रबार बिहान टोकिएको साइटमा केटीपुर 2 स्थित पेङ्गठामा याको मिसनलाई फूल प्रसाद चढाउन आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौ। पत्र न अहिले पत्र बुझै याको थिएन कीर्तिपुर नगरपालिका यो आग्रह सुरा छ ठाउँ त जुन घटना परिघटना उद्योगको दुस्वप्न सन्देशिया आगामी दिन जीव सम्बन्ध अझ प्रकार अझ पटक स्थापित गरेर न्यूनमाला या जीव उजुल म जीव उजुल तर झिस लासे छ मध्यराते छ सचेना यहाँ चाहिँ फट आठ दोक्सिउ चाहिँ सफलता जो हटे तो जीता दुखिया दुखी माला जी कभी तो दायता दुखी माला आपको मध्य राखे कि स्वता मीदल दुखी माला एनीवे गुजुल आठ ठीक जुल लगा समझे बनी मेरे चाहिए दोष रिस राग मन दे जो विनम्र आग अच्छा अध्यक्ष
पानी जो संगमी ना चाहिए कुटा चाहिए म्यो किस्मा बिल्कुल है मगर जिपी पानी जो रखा दे पी जिपी ना चाहिए समझ चाहिए छुड़ रहा था जिमु तो ग्रुप जी संस्था संस्था ना चाहिए जीवित परंपरा इधर माकियो लगी चाहिए जुगान जुगान निशेय किया चाहिए ठाव मतलब चाहिए पुरखा भी सा संचालने ना हो जला पुरखा हस्तांतर ने ना हो पटी ठो चाहिए मतलब चाहिए जीवित परंपरा माकावयात ना हो जला वह जुगार है ना जिमो पढ़ाई ना चाहिए जिमो चाहिए आशय छोटे रहता सा जीवित परंपरा इधर माकावे लगी सक्षु पहना ठोकुटा इन यदि ठोकुटा ये जिसान जाना माउना ठोया जो ठोया मुझे रिव चीज था वही जा चाहिए मतलब चाहिए जिसान निरंतरता ब्यावन मफ्ता उड़ा इन आउन मफ्ता का रिस चुके बिक्रिटी सजना जी कने वो या चाहिए आई छह पिंसा छह पिंसा थोड़ी जा वास्ते ये मगु दोकों जो न्यायासान जो डाल लाया चाहिए इंसान वास्ते ये मगु इंसान वास्ते में या पिंसा थे ठो मतलब चाहिए थोड़ा सा परंपरा रहे जी वे जो कारण जिमसा मतलब चाहिए पुजारी संगाना बारंबार तैयार तो चाहिए थोड़ा सा जीवित परंपरा इधर मैं क्यों सब कुछ ना करता बेखा ठुके लगी किसान चाहिए धर्म प्रति आस्था तैयार चाहिए हॉस्टल है ऐसे ना फिर चाहिए मकान में मेव कठान चाहिए दस्तु की फिर चाहिए थोड़ा सा सुना व्यक्तिगत ऋषि भी चाहिए सुना ना कहना मा तो वास्तव में चाहिए सुई व्यक्तिगत ऋषि भी ना मगर सुई व्यक्तिगत जो स्वार्थ जो लगे पंच दिशा तो ना क्या तो ना मगर जीव तो परंपरा इधर न्यावला ना मुया मा भेव कठान जो चाहिए तो जिम सा चाहिए ग्रुप जी अड़ाने तो ना खा तो क्या तो ना खा वह जो कारण है चाहिए सुना जा रहा सा ठीक है चाहिए कीर्तिपुर बाशी लीजिए बुन्ने चौपी अनजिले चौपी जो ग्रुप टीम जो स्वाद पूर्ण बाटा और नापानी से चले दिया तो चीज वो घबरे ना टूटे मजी में आशय थोए था मतलब चाहिए जो आशा आसुना ना चाहिए छुटा ला व्यक्तिगत रूप ना हुई खमो जीव स्वाद पूर्ण चाहिए संबंध घबरे ना पढ़ का चंद माला जीव होना दया छोटे को चीज मखु चीज में थोड़ा ना ऐसे बाल का उन फटियों से अपने यहाँ पर्यटन यो निशेन का हर एक चीज या कुना सब उठे करना ललितपुर वो कीर्तिपुर यो डाउटी संबंध मतलब जाए डाउटी संबंध ऐसे विदेश देश की मतलब जीव मात्र जैसे सिस्टर सिटी यो अब ढारना न्यागा जाए एक आपस में परस्पर सम ऐसे एक आपन भाई मतलब वह जो कारण है जाए जी जाए सुना सीधा जाए मतलब जाए चला सा व्यक्तिगत रूप में अच्छे पिया माँ जरूरत ना मुरु फुल वाय और जीव थोड़ा देव चीजे धर्म संस्कृत बच्चे आव लगी चीज में जाए या ना तुम खा अच्छे जो कारण छुली चाहिए मतलब चाहिए मेरे साथ भी उपचार ना चाहिए गुप्ती चाहिए मतलब चाहिए थोड़ा सा तो परंपरा इधर ब्रेक जो पटी का उपक्रम परंपरा जो लगी कुराई ना जो लगी यू मतलब चाहिए वो गौचे समाज जो पटी वो युवा के समूह प्लस चाहिए कीर्तिपुर मेयर मतलब चाहिए नगर पाली के तार ये कुछ ये को चाहिए कीर्ति के तार जिम सा ज्ञापन है ना तो ना ना पा आना चाहिए अंतिम पटक थे वो चाहिए मेरे साथ विशेष रिक्वेस्ट गुरुपति चाहिए या कमी से प्रतिमूर्ति का वो मूर्ति इधर चाहिए वो ठासे चाहिए कड़ापी सुयुना ईसा पिता अपन तल दिया वो ठासे तल दिया सा हमें बिक्रीती शुरू जी बहुत चीज़ आते हैं डिटेन को बहुत के लाइक चाहिए चुरा रहा सा मेरे ठासे चाहिए कीर्तिपुरी जो धरोहर खाओ म्यूजियम है तो यार वो के लाइक चाहिए मतलब चाहिए अच्छा ना दिल लगा दीजिए सा एकदम सुन माचे सुगन्ध ठप्पे दीजिए ताशे ने चाहिए जब कोई कुछ सुबह दी समझ में ¿Qué es lo que está pasando?
Burada burada. انا